और जैसे कि आप जानते हैं कि हर वेंसडे हमारे साथ शो में जुड़ते हैं पीके जी, जो आपको आपकी सारे रियल एस्टेट क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो पीके जी का स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको भी पीके जी से आज कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो स्टूडियो का नंबर नोट कर लीजिए 9052269109 9052269109। एंड वेलकम करते हैं पीके जी का। पीके जी, ऑन बिहाफ ऑफ वाई मीडिया, आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाई एफ एम 91.9। Thank you very much and good afternoon to all our listeners as well. Good afternoon, PK ji, सबसे पहले तो मैं आपसे ऑफकोर्स क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन स्टूडियो का नंबर एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ हमारे सभी लिसनर्स के लिए 9052269109 9052269109 स्टूडियो का नंबर है। पीके जी से अगर आप रियल एस्टेट के कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आज स्टूडियो पे आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन पीके जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा होता है तो पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मार्केट की अपडेट बताइए पीके जी, क्या हो रहा है मार्केट में? देखिए माही, मार्केट जो है, अगर मैं इसमें ब्रेब की रिपोर्ट लूं तो जो आज सुबह आई उन्होंने ये जो फिगर हुई, सिंपल शब्दों में पहले बताता हूं मैं आपको कि अगस्त 2021 से अगस्त 2022 सेल 34.2% डाउन हुई है, और अगस्त 21 से अगस्त 22 से कंपेयर करें तो प्राइस 0.9% ऊपर गया है। अब ये प्राइस ऊपर गया है, लोग कहते हैं मार्केट गिर गई। यस, मार्केट गिरी है तो भी तो 0.9% ऊपर है। मार्केट अगर मान लीजिए 20% गिर गई, उसके बावजूद 0.9% ऊपर का मतलब होता है मार्केट 19% गिर गई। तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा। लेकिन अगर इस बात को मैं एक डिफरेंट तरीके से आपको आगे आगे पेश करूं तो शायद ये बात क्लियर हो जाएगी। एक टिपिकल होम, ये रिपोर्ट बीमो की आई है, ये टिपिकल रिपोर्ट बीमो की है, वो ये कह रहे हैं कि मार्च का जो पीक था अभी सिर्फ इसी साल मार्च का, उससे अभी 6-7 महीने बीते हैं, वहां से प्राइस 12.4% गिरे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, 0.9% बढ़े हैं, वो हम कंपेयर कर रहे थे लास्ट ईयर अगस्त से। इस साल के पीक से अगर कंपेयर करें तो टिपिकल होम प्राइस फेल बाय 12.4%, 7,60,000 की एवरेज आ गई अगस्त में। इसमें सबसे बड़ा हिट जो हुआ वो साउथर्न ओंटारियो को हुआ, जहां पर सबसे ज्यादा बड़ा भी था। इसके बाद जो हिट हुआ वो हुआ सबर्ब्स, जहां पर लोग चले गए थे पेंडेमिक में बाहर और कीमतें बढ़ गई थी, मस्कोका वगैरह इधर उधर, बेरी शेरी वगैरह इधर उधर सारी, लेकिन वहां से अब फिर नीचे आने शुरू हो गए, लोग वापस आने शुरू हो गए, ऑफिस खुल गए, हाइब्रिड किस्म की एक सिस्टम चालू हो गया, घर से भी करो ऑफिस से भी करो, 2 दिन वहां हो 3 दिन यहां हो, अल्टीमेटली लोगों को वापस भी आना पड़ा, कई वैसे आकर दुखी हो गए वापस आ गए। क्योंकि माही एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब कॉटेज में रहने के लिए जाते हैं 1-2 दिन के लिए, आप भी गई होंगी, बड़ी मजा आता है ना, बड़ी खुशी होती है, हाँ क्या मजा आया, पर मजा वो सिर्फ 2 दिन का है। जब तुम्हें परमानेंट रहना पड़ जाए ना जंगल के अंदर, उन बच्चों को स्कूल छोड़ने की और लाने की और ग्रोसरी के जब सिर में लाले पड़ते हैं तो कॉटेज कुटेज सारे भूल जाते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पीके जी। ये सिर्फ 2 दिन की चेंज है। मैं जब अपनी कॉटेज में जाता हूँ, मेरे लिए एक और बड़ी खुशी की बात है कि वहां पर मेरा फोन ही नहीं काम करता, और मेरी वाइफ दुखी हुई, मैं कहा मैं खुश हो रहा हूँ कि ये फोन आने भी बंद हो गए 2 दिन के लिए, समस्या खत्म हो गई मेरी बिल्कुल ही 2 दिन के लिए। पर ये कहानी सिर्फ 2 दिन की है, 3रा दिन होता है ना तो घर की याद आ जाती है कि वापिस चलो भी बोर हो गए। तो ये जो सबर्ब में जब लोग परमानेंट चले गए थे ना, ये अक कर दुखी होकर वापिस आए, कई तो कहीं को मजबूरी आना पड़ गया, तो इन एरियो में कीमतें ज्यादा गिर गई 20% के आसपास, अदरवाइज 12.4 की एवरेज आ रही है। तो ये तो है आपका मार्केट का हाल, और आप कोई और क्वेश्चन हो आपका अगर? जी बिल्कुल पीके जी, और मेरा अगला सवाल भी मैं आपसे पूछूंगी, और बाकी लिसनर्स को जिनके अभी कॉल आ रहे थे और ड्रॉप हो गए हैं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर है 9052269109 9052269109। पीके जी से आप कोई भी सवाल रियल एस्टेट से संबंधित पूछ सकते हैं आज शो पे। एंड पीके जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो क्या वो आगे और बढ़ने की उम्मीद है? बिल्कुल जी, बड़ा क्लियर कह दिया, बहुत क्लियर रिपोर्ट आ गई, और हमें पहले उम्मीद थी कि ये जो सितंबर का जो जंप है ये लास्ट होगा,
लेकिन नहीं, रिपोर्ट आ गई आज। अब तक तो वहां तो इंटरेस्ट डिक्लेयर भी हो चुका होगा, मुझे तो अब ध्यान ही नहीं है, मैं तो आज टॉक शो में लगा हूँ। यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट आज 0.75 बढ़ने की उम्मीद थी, पता नहीं कितना बढ़ा, मैंने तो देखा भी नहीं है। और वहां पर बढ़ेगा उसका असर यहाँ होगा ही होगा कनाडा में, वो 0.75 की उम्मीद है वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की, या बढ़ चुका होगा, उसका असर यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। आगे देख लीजिए हमारा डॉलर कहाँ 78 तक चला गया था, 75 में नीचे आगे रह गया, तो अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया तो हमारा डॉलर और नीचे कमजोर हो जाएगा, इन्फ्लेशन को काबू नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमारे को भी ये करना पड़ेगा अट्रैक्ट करने के लिए। और ये पूरी उम्मीद है कि जो 26 अक्टूबर को 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ने की फिर उम्मीद हो चुकी है, और 75 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट हुआ तो दिसंबर में जाके क्वार्टर बेसिस पॉइंट इसने फिर बढ़ना है, नोबडी कैन स्टॉप इट। हाँ, आज के हालात के हिसाब से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर हालात बदल गए, सप्लाई चेन और सप्लाई ज्यादा आ गई, लोगों की बाइंग थोड़ी कम हो गई, लोगों ने थोड़ा हाथ खींचा, तो हो सकता है इस पर काबू भी कर लिया जाए। लेकिन आज तक के हालात ये बता रहे हैं कि यस, इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा। जी जी, एंड पीके जी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े थे लेकिन इनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा से कॉल कर लीजिए प्लीज। 905-226-9109 स्टूडियो का नंबर है, 905-226-9109। पीके जी से कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप शो पे पूछ सकते हैं। और पीके जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो कॉमन मैन है जिन्होंने मॉर्गेज ले रखी है, अब वो क्या करे, उन पे क्या असर पड़ेगा? मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो कॉमन मैन जिसने ऑलरेडी मॉर्गेज ले रखी है वो क्या करे, मैं आपको छोटी सी फिगर देता हूँ। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने का असर 78% ऑफ कैनेडियंस पे पड़ा ही नहीं है। 78% ऑफ कैनेडियंस इंटरेस्ट बढ़ने का उन पे असर पड़ा ही नहीं, क्योंकि उनकी पुरानी मॉर्गेज चल रही है और उनका रिन्यू फिक्स के अंदर अभी रिन्यू नहीं आया। जब इनका और वो लगभग 3% इंटरेस्ट में बैठे हुए हैं, बिलो 3%, बाकी 22% में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, जो नए ले रहे हैं महंगे ले रहे हैं। जब ये 78% का धीरे धीरे रिन्यूअल आएगी, जो कि आपका क्वेश्चन है, अगर हम मॉर्गेज $8,00,000 एवरेज कैनेडियन की मान लेते हैं, तो पर हाउस होल्ड 800 से लेकर $1,100 पर मंथ एक्स्ट्रा लेना पड़ जाएगा। मान लीजिए आज मैं 3100 मॉर्गेज दे रहा था, अब मेरे को अगर मेरा रिन्यू जैसे आ रहा है तो मुझे अब 31 की जगह 4200 देना पड़ेगा, या 40-42, डिपेंडिंग ऑन आपका वेरिएबल है, फिक्स्ड है, क्या है, ये असर होने जा रहा है। और नॉट ओनली दैट, एक कॉमन मैन के ऊपर लिविंग कॉस्ट जिसमें गैस है, ग्रोसरी प्राइजेस हैं, हाइड्रो बिल वगैरह हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह हैं, कपड़े लत्ते सारी चीज, इसका तो असर पड़ ही गया बहुत जबरदस्त, एक 2000 का फर्क पड़ गया और उसके लिए जीना मुश्किल हो चुका है। मैं आपकी बात के ऊपर अगर एक बात और जोड़ दूं, इससे पहले कि आप ही ये क्वेश्चन करें, मैं ही बता दूं कि होम ओनर्स के डेब्ट उतारने के लिए या और डेब्ट ना बढ़े, खर्चा कम करना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, और होम ओनर का डेब्ट मतलब खर्चा ना बढ़े, तो अगर ये अमोर्टाइजेशन 35 से 40 साल तक की कर दें तो आपका आउटफ्लो ऑफ द मनी वो उतना ही लगभग या कम रह जाता है, तो आपके ऊपर बर्डन कम पड़ता है। ये एक सोल्यूशन है छोटा सा, एक तो आपका स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और दूसरा अमोर्टाइजेशन 25 साल से बढ़ाकर 40 तक अगर ले जाएं तो मेरे ख्याल से टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है, कर्जा तो कम उतरेगा लेकिन आपके एक्सपेंसेस वो थोड़े कम हो जाते हैं, तो थोड़ा सा राहत की सांस मिलेगी। आपके तीनों क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे लगे माई जी। और बताइए जी, बाकी जी बताइए जी। पीके जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं और ये अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी आप ऑन एयर है, अपना सवाल पूछे। हाँ जी नमस्ते पीके जी, क्या हाल चाल है जी आपका? नमस्कार सर। हाँ जी, पहले तो आपके पैरी पेना जी, आपके आप बहुत नॉलेज वाले हैं, थैंक यू जी। मैं बताऊँ, एक बार मजाक करूँ आपके साथ छोटा सा, एक भाई साहब मजाक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरे फादर थे ना, थोड़ा थोड़ा मजाक किया करते थे, उनको कोई बोलता था ना चाचा जी पैरी पेना, तो पता क्या बोलते थे? बेशक पाओ।
हाँ जी नहीं नहीं वो मजाकिया बात है, लेकिन जीते रहो, आपका भगवान भला रखे। जी बताइए। हाँ जी, मैंने ना 2021 में फरवरी में घर लिया था कैलेडन ट्रेल में ना। होल्ड करिए, कैलेडन में फरवरी 21। हाँ जी, फरवरी लास्ट ईयर लिया था कैलेडन ट्रेल में जी। मैंने कब है उसकी है अप्रैल में, अभी लाइक सेकंड जो मुझे उन्होंने डेट दी है वो मुझे क्लोज अप्रैल में दी है ना 2023 में। अप्रैल 23 रुकिए, 27 को स्क्वायर फुट गया। कितने का बुक किया था ये? मैंने 1280 में बुक किया था। 1280 में? हाँ जी हाँ जी। आप शायद बच जाएंगे क्योंकि इसके बाद कीमत बहुत बढ़ गई थी और फिर वही आ गई, तो आपको शायद कुछ होने वाला नहीं है। आप आपकी ना आवाज बहुत जानी बजानी लग रही है मेरे को, और जैसे कहते शेट्टी तो नहीं है आप? नहीं नहीं, मेरा नाम मेरा नाम गुरप्रीत। अच्छा, आप बहुत आवाज मिलती है हमारे एक दोस्त से आपकी। तो 1280 में लिया था 2750 का, इसके बाद इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आप भी बड़े खुशी होंगे अभी इसका कीमत गिर गई, लेकिन आई थिंक यू विल बी ऑन द पॉजिटिव साइड बाई अप्रैल। कोई और क्वेश्चन आपका? हाँ जी, बस मैं यही पूछता था कि लाइक मेरी अप्रैल में है, मेरे पास साइड में क्लॉज भी है, उसमें बेचने में अभी फायदा की लाइक होल्ड कर ले? इट इज टू अर्ली। मेरे ख्याल से अभी आपको फाइनल ऑक्यूपेंसी डेट नहीं आई उनकी, आपको फाइनल ऑक्यूपेंसी डेट उनकी नवम्बर या दिसंबर में आने वाली है। एक बार पहले तो दिसंबर में थी उसकी क्लोजिंग इस साल की, जो आपको लेटर आया था ना पिछले, हाँ जी। उसमें देखो, उसमें लिखा हुआ फाइनल टेंटेटिव क्लोजिंग डेट, तो आप ध्यान से। हाँ जी, ये वाली सेकंड दी है उन्होंने, बोलते कि इसके बाद हो सकता है लाइक चेंज। ये मैं कहना चाहता हूँ ना, उसको लैंग्वेज को देखिए, उसमें टेंटेटिव लिखा हुआ है, यानी कि अब इसको और बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए अभी से अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करो, इंजॉय करो। आपको एक लेटर अभी और आने वाला है नवम्बर दिसंबर में। अच्छा अच्छा, वो आपको डेट एक और बताएगा, तब हम भाई बैठ के बात करेंगे आपस में। रेडियो में कर लीजिएगा, अलग कर लीजिए, जैसे मर्जी, कि अब हमें क्या करना चाहिए। हाँ जी, आपके पास भाई नहीं, आपका मैं बेटा ही बेटे की तरह ही हूँ जी। जी जी बेटा, तो इसी प्रकार फिर अप्रैल में के बाद डेट जब बदलेगी, जब आपको लेटर अब आएगा नवंबर दिसंबर में, तब आप बात करिएगा, तो मैं तब बैठ के फाइनल, क्योंकि तब तक मार्केट भी सेटल होने की उम्मीद हो जाती है और वो फाइनल इंटरेस्ट रेट भी हो जाता है। उसके बाद फिर जैसे अभी पीछे रिपोर्ट आई थी सीआईबीसी की, वो ये कह रहे थे कि इनको उम्मीद है, बाकी आरबीसी की ये रिपोर्ट आई, उनको आई उम्मीद कि अगले साल मिडल तक ये न्यूट्रल रेट तक दोबारा आएंगे। न्यूट्रल रेट का मतलब होता है जो ये आप अब रेट है 3%, 3.25, ये जो बढ़ जाएगा दोबारा वापस यहीं तक आने की उम्मीद है, तो उससे मार्केट के ऊपर बहुत भारी असर पड़ता है। तो अभी आप कुछ मत सोचिए, सिर्फ एंजॉय करिए। पर एक बड़ी खुशी की बात है कि आपने ज्यादा लेट नहीं लिया। फरवरी 21 फिर भी लेट था, मैं तो कहूंगा हमने 20 के बाद लोगों को खरीदना मना कर दिया था, लेकिन आप 2-3 महीने लेट हैं। पर खुशी की बात यह है कि आपका प्राइस ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं होगा। हाँ जी, ये जब मैंने लिया था तो लाइक वो फर्स्ट फेज ही था ना, अभी प्राइस उन्होंने स्टार्ट ही की थी जी, तो तभी मैंने किया था बुक ना लाइक। और अभी बिल्डर जो है, अभी जो बिल्डर नए घर बेच रहा है वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ऊपर बेच रहा है ना, इसी स्क्वायर फुट के हिसाब से। कोई नहीं रहा ना जी, इसलिए आपको बहुत पॉजिटिव प्राइस है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पर आपका प्रिंसिपल घर होगा ना ये? नहीं, ये हाँ जी अभी मुझे पता नहीं, पहले तो लाइक इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, अपना है। हाँ जी, हाँ। तो अब आपकी फैमिली इनकम क्या, मैं पूछ सकता हूँ? क्योंकि आपने नाम नहीं बताया, मत बताइए। मेरी है ऑलमोस्ट लाइक 160,000 है फैमिली इनकम। 160? तो आपको पता है ना कि इसके अंदर आपको $5,00,000 अपनी जेब से लाने पड़ेंगे। इसमें मुझे अगर अभी करता हूँ तो लाइक यू नो लाइक मुझे अपना घर बेच के उसमें मूव होना पड़ेगा। पर आपको लोन जो है मॉर्गेज 7.5 लाख से ऊपर बिल्डिंग बहुत मुश्किल है, 7-80 लगा लीजिए। 5 लाख आपको अपने जेब से लाना होगा, चाहे घर बेच के लाइए या फिर आप इसको आपका जुड़ा होगा या अपने एग्जिस्टिंग होम के ऊपर इक्विटी लेके डालिए, उसको रेंट पे चढ़ा के भी आप मिल लीजिएगा। आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको कॉन्टेक्ट करवा दूंगा, वो आपका पूरा एक बना के दे देंगे कि कैसे करना है। नहीं, मैं आप ही के पास आऊंगा। मैंने जब ले रहा था तब मैंने ना लाइक तब मैं बात कर रहे थे तो आप उसको प्रोजेक्ट को सेल नहीं कर रहे थे, पर बोल रहे थे कि लाइक यू नो लाइक उसकी हाइप बहुत है क्योंकि एड बहुत आ गई थी उसकी, हाइप बहुत बन गई थी ना।
जी, मैं भाग जाता हूँ भीड़ से, मैं भाग जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, आपने कोई गलत नहीं लिया, और हो सकता है आपका एग्जिस्टिंग घर हम रेंट पे चढ़ा के इस घर के ऊपर हम मॉर्गेज ले दें, कोई दिक्कत नहीं। एक बार का ध्यान रख लीजिएगा, एग्जिस्टिंग घर अगर मुझे बताया तो मैं आपको तरी सीआरए की बात बता देता हूँ। एग्जिस्टिंग घर कितने का आपका? मेरा मैं रहता हूँ स्टील्स और मिस्टर अगर फाइनेंशियल ड्राइव पे ना, मेरा अच्छी जगह में रहते हैं, बहुत सुंदर जगह है वो, बहुत बहुत तरक्की कर गई। लेकिन आज मुझे इस रिटर्न राजी अंदाजा मार्केट प्राइस क्या होगा? नियर अबाउट लाइक मेरी तरह का घर मतलब जब फेब में ना 22 लाख का बिका था फेब्रवरी, आप बताइए। तो अब पता नहीं, नियर अबाउट लाइक 1.7 या 1.8 मान लो, उसमें मॉर्गेज कितनी है? उस पर मेरी 4 लाख की मॉर्गेज है। आप सेफ है, आपको सीआरए कुछ नहीं बोल सकता, आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल आराम से रहिए। आप उन लोगों में से हैं जो संभल के चलते हैं, और ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। नहीं, मैं आपकी राय से चलाता महाराज। थैंक यू। और आपके ऊपर एक डायलॉग लागू होता है स्कॉटिश बैंक का, बिकॉज स्कॉटिश बैंक का बड़ी फेमस पंच लाइन है, यू आर रिचर देन व्हाट यू थिंक। देखा ना, जगह जगह लिखा हुआ उन्होंने, यू आर रिचर देन यू थिंक, ये आपके ऊपर लागू होता है। यू आर रिचर देन व्हाट यू थिंक, आप अपने आप को डर रहे हैं, लेकिन आप यू आर रिचर देन मिलियंस ऑफ पीपल। आपके ऊपर 2 मिलियन के घर के ऊपर सिर्फ 4 लाख मॉर्गेज है, 160,000 आपकी फैमिली इनकम है, आपको कोई रोक नहीं सकता, ना तो आपको लेंडर मना कर सकता है, ना आपको एक बार सीआरए ऑब्जेक्शन कर सकता है। आप अगर असाइनमेंट में भी बेचेंगे तो सीआरए भी कुछ नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि आपकी इनकम जस्टिफाई करती है इस मॉर्गेज के लिए। हाँ जी, थैंक यू। अभी जिस हिसाब से मतलब मार्केट लग रही है, अभी बिल्डर्स घर बना रहे, पॉपुलेशन इतनी लाइक इमिग्रेशन वगैरह इतनी आ रही है, लाइक मेरी ना बेसमेंट में इंडिया से आए थे वो 7-8 महीने रह के गए, और वो इंडिया से नोएडा में अपनी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ पे उन्होंने घर लिया ना, लाइक जब मार्केट हाई थी ना जी। तो जो भी पैसा लेके जो इमिग्रेंट आ रहा है वो पैसा लेके आ रहा है, पहले तो लेकिन वो 20-25 डॉलर लेके आते थे हम लोग, अभी तो 70-80 हजार लेके आ रहे हैं साथ में ना जी। बहुत ज्यादा ला रहे हैं। आपको मैं क्या बताऊं, आपने 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन सुना होगा, कभी आपने सुना है? मैं नाम नहीं ले सकता प्राइवेसी के चक्कर में, 400 मिलियन भी लेकर आए, 400 मिलियन। अच्छा जी, हाँ बहुत पैसा आ रहा है, ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा अच्छा हो रहा है, और इसीलिए गुड। आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नो वरी एट ऑल। ओके जी, ओके, थैंक यू। जी पीके जी, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी जुड़ गए हैं, तो इनसे भी बात करते हैं, इनका भी सवाल हम लेते हैं। जी आप ऑन एयर हैं, अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ जी, हेलो जी। हाँ जी, मेरा पी के हिसाब से सवाल है सर, कि मेरा कॉन्डो है डाउनटाउन में, उसमें 2 लॉकर है, कैन आई सेल वन? आप ये बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले बताइए बिल्डिंग कौन सी है? 88 स्कॉट सर। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छी बिल्डिंग है आपकी। अब आप देखिए, जो 2 लॉकर हैं, इनकी रजिस्ट्री अलग अलग है या आपकी मेन प्रॉपर्टी के साथ है? मेन प्रॉपर्टी के साथ है सर। प्रॉब्लम आएगी, आजकल हम लोग ये अलग अलग रजिस्ट्रियां कराया करते हैं, लॉकर की अलग रजिस्ट्री, पार्किंग की अलग रजिस्ट्री, अपार्टमेंट की अलग रजिस्ट्री, थोड़ी सी सिरदर्दी हो जाती है, लेकिन बेचने में आसानी हो जाती है। आप लॉयर से बात कर लीजिए, मुझे लगता है क्योंकि इन सबका टाइटल एक है, एक ही ओनरशिप के अंदर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर इसका रिकॉर्ड है, आपके लिए बेचना मुश्किल हो जाएगा एक लॉकर। ठीक है, अलग अलग हिस्ट्री होती, बड़ा इजी हो जाता। अब जैसे अलग अलग बिल्डिंग है, जैसे अभी एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर भी और प्रोजेक्ट के अंदर भी हम लोग इनकी अलग अलग रजिस्ट्री कराते हैं, पार्किंग अलग। सर, व्हेन आई वाज गोइंग टू बाय, आई डिड नॉट नो आई हैव 1 लॉकर, आई बॉट इट अगेन बाय मिस्टेक, सेकंड बाय मिस्टेक, हियर यू आर, और उसकी फीस अलग से दे रहे हो आप। जब सोचिए, बहुत अच्छी, अभी ये कई बिल्डर ऑफर कर रहे हैं, ले लो एक और ऑफर, बल्कि डिस्काउंट में दे रहे हैं, आपने डिस्काउंट में लिया होगा? नहीं सर, आई पे फुल प्राइस बाय। नहीं, हमने तो लॉकर $600 के भी लिए हैं डिस्काउंट में, $600, 5,000 का लॉकर हमने, पता कैसे लिया है, 1200 का लॉकर लो और 1 लॉकर फ्री। जी 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 जी, यहाँ तक लिया है, क्योंकि अब यार सोचिए, बिल्डर कहता है लॉकर उसके पास 50 खाली पड़े हुए हैं, कम से कम उसको बेच दे, उसको एक एक लॉकर को $20 महीने का मेंटेनेंस फीस मिल जाएगा, $1,000 महीने का यही कमा लेगा, तो उसके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। तो ये लालच में नहीं, रुकिए एक बात रुकिए, जब आप कह रहे हैं कि आपने एक और लिया, फिर तो उसकी रजिस्ट्री अलग हुई ना, एक कैसे हुई? नो नहीं सर, ऐसा पीके साहब,
कि व्हेन आई बॉट द कंडोमिनियम आई बॉट इट प्री कंस्ट्रक्शन एंड दे कॉल मी देयर ऑफिस कॉल मी से ओ यू वांट टू बाय द लॉकर By mistake, I didn't know I have one locker already. So अच्छा जो ओरिजिनल के अंदर आ गया ओके नहीं तो क्या हो रहा है कि अगर आपका ओरिजिनल एग्रीमेंट हो गया और सब कुछ हो गया और उसके बाद क्लोजिंग हो गई तो बिल्डर ऑफर कर रहे हैं मैं नाम नहीं लूंगा डाउन टाउन के बिल्डर हैं तो वो आपको लॉकर दे रहे हैं उसकी रजिस्ट्री जो हो रही है वो अलग हो रही है उसको आप बेच सकते हो ओके ओके अनदर क्वेश्चन सर am I paying extra इसकी फीस आप दे रहे हैं आप एग्रीमेंट नहीं पढ़ रहे भाई साहब मुझे बताइए जो रियल्टर आपका आपको उसने आपको चेकलिस्ट बना के नहीं दी क्या कि आपकी ये फीस यहाँ यहाँ लग रही है लॉकर में इतनी लग रही है पार्किंग में इतनी लग रही है मेंटेनेंस फीस घर के ऊपर इतनी लग रही है प्रॉपर्टी टैक्स अलग अलग ऐसे ऐसे जा रहे हैं कुछ बताया नहीं आपको किसी ने नहीं नहीं सर नहीं, आप उसकी फीस दे रहे हैं मेरे मालिक मिनिमम फीस उसकी दे रहे हैं आप $19.90 और हो सकता है $29 भी स्कॉट ने कर दिया हो पता तो करिए आप ठीक है सर उसको कॉल करिए वो फीस आप अलग दे रहे हैं महीने की ठीक है सर इसको इसका आजकल क्या कंडोमिनियम बेचने के लिए इजी टू सेल इन 8 इयर्स बहुत इजी है अगर इट इज राइट प्राइस लालच करोगे तो बहुत मुश्किल है आपको मैं नंबर देता हूँ क्योंकि शो है ना इनका टाइम बड़ा कीमती है तो आपको मैं नंबर देता हूँ मुझे कॉन्टेक्ट टेक्स्ट मैसेज डालिए आपको 24 घंटे में कॉल आएगी और फिर मैं आपसे बात करके सारा समझा दूंगा या मेरा मैं आपको नंबर दे देता हूँ आप अपना नंबर नाम नहीं बताना चाहते तो टेक्स्ट में डाल दीजिएगा कि रेडियो में बात हुई है तो मेरा नंबर है 647-299-4757 एक बता दूं आपको भाई साहब आपका प्रोजेक्ट बुरा नहीं है अच्छा प्रोजेक्ट है ये जिससे भी लिया आपने मैं ये नहीं कहूंगा खराब प्रोजेक्ट अच्छा है पर उसको किस ढंग से संभालना है किस ढंग से उसको यूज करना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे क्लाइंट के पास पूरी चेकलिस्ट चली जाती है कि आप इसका इतना पैसा दे रहे हो उसका इतना दे रहे हो उसका इतना दे रहे हो इस दिन से आपको कॉल जा रही है इसका इतना किराया आ रहा है इसमें से इतनी मेंटेनेंस चली जाती है तो आपको बाकी इतना बचता है इन्वेस्ट आपने इतना किया है तो आपके लिए वायबल नहीं है बेच दो या आपके लिए वायबल है रख लो तो मैं आपको सब गाइड कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी पीके जी 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 अच्छा क्वेश्चन था बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा मजा आता है तो मैं अब प्राइजेस की बात कर रहे थे ना उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं प्राइस को ही प्राइजेस कैसे कैसे मार्केट में जा रहे हैं इसका क्या असर होगा मैं आपको बता दूं शायद मेरे को अब ये भी नहीं याद आपके शो में मैंने क्योंकि सुबह से ये 5वां शो है या 6वां शो है मुझे ये भी नहीं याद तो मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला और क्या बातें दिमाग में आती क्या नहीं आती तो मैंने शायद आपको ये अभी बोला था कि साउथर्न डेयरी में सबसे ज्यादा प्राइस गिरे हैं और सबर्स और में ज्यादा प्राइस गिरे हैं जहां पर प्राइस ज्यादा बढ़े थे जी आप बता रहे थे पीके जी ठीक है ना हाँ उसी को कंटिन्यू करते हुए जैसे फॉर एग्जाम्पल 20% प्राइस गिरे पीक के बाद मैं पीक के बाद की बात कर रहा हूँ ओकविल किचनर वाटरलू लंदन वगैरह लेकिन हैमिल्टन बेरी वगैरह यहाँ पर इस ये एरिया 10-15% रेंज के अंदर प्राइस गिरे जहां पर ज्यादा प्राइस बढ़े वहां पर ज्यादा गिरे जहां पर कम बढ़े वहां पर कम गिरे ज्यादा असर पड़ा एक बात का ध्यान रख लेना कि कैलगरी जैसी जगह जो है वो पेंडेमिक से पहले बहुत स्ट्रगल किया उस कैलगरी ने कई साल तो पेंडेमिक वहां पर जोर पड़ा और लोग उस तरफ गए कैलगरी में तो कैलगरी में असर कम है क्योंकि वो वैसे ही बड़ा हिस्टोरिकली स्ट्रगल होता रहा कैलगरी के अंदर अब जाके लोगों की निगाह उस तरफ गई तो लोग जहां पर वहां पर गए तो इसलिए कैलगरी में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और अगर मैं बात करूं जिनकी रिपोर्ट अभी आई वो कह रहे हैं कि मार्च हाई के बाद 32% सेल प्लंज हुई है गिरी है मार्च पीक के बाद ये मार्च बता रहे हैं फरवरी नहीं बोल रहे मार्च से कैलकुलेट कर रहे हैं लोग और ये बोल रहे हैं कि 16% एवरेज मार्च पीक के बाद प्राइस जो गिरे हैं उसके बावजूद भी अभी 16% प्राइस ऊपर है यानी कि 32% प्राइस बढ़ गए थे 16 गिर गए सब अभी भी ऊपर है और वो देखो अब आगे इंटरेस्ट रेट का क्या असर होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया तीसरी बात जो हाउसिंग स्टार्ट है वो अगस्त में 3% डाउन हुए हैं क्योंकि बिल्डर को सूट नहीं कर रहा बिल्डर डर रहा है वीक बिल्डर भी डर रहा है रईस बिल्डर भी डर रहा है कि पता नहीं इनकी प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं बिकेगी कैसे बिकेगी फाइनेंस होगा कि नहीं होगा तो थोड़ा उन्होंने लगाम लगाई है 3% इसकी हाउसिंग स्टार्ट कम हुई है इसका असर इन्वेंटरी में बहुत पड़ने वाला है और ये पॉजिटिव साइन है कि डिमांड
ज्यादा सप्लाई कम तो प्राइस रुक सकता है। इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, बहुत सारे और भी आएंगे 1.3 मिलियन के आसपास तीन चार सालों में, उसका भी असर पड़ने वाला है। जैसे पहले भाई साहब ने कहा आजकल लाखों डॉलर लेके आ रहे हैं, ये पॉजिटिव साइंस है। नेगेटिव साइंस क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, अफोर्डेबिलिटी खराब होती जा रही है, इनकम जितनी ज्यादा नहीं बढ़ी, घर को हाथ लगाना मुश्किल हो रहा है, इतने महंगे हो गए हैं, उसके बावजूद जिसे कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट खा गया, 5.25 की जगह आजकल 7% के ऊपर स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है। बताइए जिस इंटरेस्ट रेट में आपको मिल रहा है उसका 2% ऐड कर लीजिए, 5% की जगह 7% में आपका स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है, उसमें आप पास ही नहीं हो रहे, बड़ी मुश्किल पड़ रही है। तो ये दोनों तरफ की बातें मैंने आपको बता दी, अब जो हालात हैं उसके साथ चलना पड़ेगा। सिर्फ आप एक कर्म करते रहिए, अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, जितनी बचत होती है करते रहिए, वक्त सबके साथ बराबर है, पर आप अपने ढंग से अपने आप को सुपीरियर बना लीजिए, आप फेवरेबल हो जाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आइए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपकी और मेरी दोनों की $100 इनकम है रोज की, और मैं $100 पूरे खा जाता हूं और आप $90 खा के $10 बचा लेती हैं, ठीक है जी। साल के बाद $10 के हिसाब से आपने $3,650 जी सेव कर लिए और मैंने सारे के सारे खा लिए। अगर कोई मुश्किल पड़ेगी मैं परेशानी में इमीडिएटली आ जाऊंगा, और मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसीलिए जो दुनिया में हो रहा है वो सबके लिए बराबर हो रहा है, पर आप अपने आप को कैसे सुपीरियर रख सकते हैं, ये आपकी हरकतें, आपके प्लान, आपका डिसिप्लिन, आपकी प्लानिंग, आपकी बजटिंग पे डिपेंड करेगा। तो आप अपना धर्म पूरा करते रहिए, बच के निकल जाओगे जी। मेरा जाते जाते एक सलाह है, और मैं एक फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं। 8 Elm Street यंग एंड डंडस का इंटरसेक्शन, 8 Elm Street टॉप की लोकेशन, नंबर 1 लोकेशन, AAA लोकेशन, टॉप का बिल्डर, कैपिटल डेवलपमेंट एंड रीसेल रिजर्व प्रॉपर्टीज एंड कैपिटल डेवलपमेंट। इनका प्रोजेक्ट है 69 फ्लोर्स, 29,000 square feet का अमेनिटीज। आप देखिए इंटर सेंटर के ऊपर है ना कमाल। 2027 में इसकी क्लोजिंग है, 5 साल पड़े हुए हैं, यू कैन नेवर गो रॉन्ग। महंगा प्रोजेक्ट है, डाउनटाउन का प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट, या मस्कोका में बहुत बड़ा 400 something acre का, 70 acre का बहुत बड़े जबरदस्त पूरी सिटी बन रही है, उसके लिए हमसे बात कर लीजिए। नियाग्रा में हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है 2-3 दिनों के अंदर, उसके लिए हमसे बात कर लीजिए। आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए डिजाइन डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है हैमिल्टन में बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट रहा, ऑलमोस्ट उनके यूनिट्स खत्म हो चुके हैं हैमिल्टन वाला। बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, वी कैन गो फर्दर। आई विल गिव यू माई नंबर 6472994757, 6472994757, और यू कैन विजिट teamsabharwal.com। जी भाई थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पीके जी, इतना हमारे शो पे आके आपने इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया और इतनी नॉलेज हमें दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।